बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, यहाँ पर हम आप लोगों के साथ एक इंतहाई अहम अपडेट शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं ये अपडेट आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। हुकूमत की जानिब से पहले भी ये कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़ानदान हैं उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए और उनको यहाँ पर आहिल किया जाए, और हुकूमत की ये तरजीह इंशाल्लाह रहेगी और आप लोगों को इसी तरीके से सपोर्ट किया जाता रहेगा। हुकूमत की जानिब से पहले भी मज़ीद ऐसे ख़ानदान थे जिनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया और उनको यहाँ पर इमदाद दी गई। तो अब हुकूमत ने नई पॉलिसी के तहत आप लोगों को इमदाद देनी है, और जिन लोगों ने 7,000 रुपये वसूल किया था, मज़ीद उनको 7,000 रुपये की हुकूमत की जानिब से इमदाद जारी की जाएगी। तो यहाँ पर कुल इमदाद आप लोगों को 14,000 मिलने जा रही है, और इसके साथ हुकूमत आप लोगों को यहाँ पर एक और प्रोग्राम में भी सपोर्ट करेगी। उस प्रोग्राम में आप लोगों को 25,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। तो हुकूमत की जो ये पहली तरजीह है, इसके हवाले से हम आप लोगों को डिटेल दे रहे हैं, और ये डिटेल उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट देगी। हुकूमत की जानिब से पहली तरजीह आप लोगों को 7,000 रुपये दिया गया, इसमें आप लोगों को 14,000 रुपये मिलेगा। और इसके साथ हुकूमत की जानिब से ये भी फ़ैसला किया गया है कि जो लोग यहाँ पर ज़्यादा गरीब हैं, मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार हैं या रेडी बान हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। उनको हुकूमत की जानिब से यहाँ पर अब मज़ीद 25,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। और इसके साथ जो लोग यहाँ पर, एक नया प्रोग्राम था 786, जिन्होंने 786 पर मैसेज किया था, उनको 2,000 रुपये दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने जो मिस्टेक की है वो ये है, जब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाते हैं, HBL बैंक जाते हैं या रिटेलर शॉप पर जाते हैं, वहाँ से आप लोगों ने सिर्फ 7,000 रुपये वसूल किया है, जबकि आप लोगों का यहाँ पर राइट बनता था कि आप लोगों को यहाँ पर 9,000 रुपये वसूल करना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जिनका हुकूमत की जानिब से 2,000 रुपये जो मंथली रिलीफ पैकेज हुकूमत की जानिब से देने का वादा किया गया था, बाकायदा मरीम औरंगज़ेब जो वज़ीर इत्तला था उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की गई थी कि आप लोगों को 2,000 रुपये यहाँ पर रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, जो कि हर महीने आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने 9,000 रुपये वसूल करना था, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने सिर्फ 7,000 रुपये की इमदाद वसूल की है और उनको 2,000 रुपये नहीं मिला, जबकि हुकूमत की जानिब से ही दिया जा रहा था। और इसके साथ हुकूमत ने बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो भी जारी किए थे, और तालीमी वज़ाइफ 1500 से लेकर 4000 तक मुश्तमिल थे। तो यहाँ पर जो लोग वसूल कर रहे थे 7,000 रुपये, उनको यहाँ पर ज़्यादा रकम वसूल करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ है वो भी हुकूमत ने पिछले मंथ ही जारी किए थे, वो अब तक दिए जा रहे हैं जो लोग पेमेंट ले रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये पेमेंट वसूल नहीं की, तो वहाँ पर जाकर ये ज़रूर देख लिया करें कि आपको हुकूमत की जानिब से 7,000 रुपये दिया जा रहा है, क्या इसके साथ देने वाले ने आपको जो रिलीफ पैकेज है वो अगर आपका आ चुका वो दिया है या नहीं, आपके बच्चों की जो तालीमी वज़ाइफ है वो आपको दिए गए हैं या नहीं। और यहाँ पर हुकूमत ने जो 25,000 की स्कीम है, इसके हवाले से बताया कि जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं सिर्फ उनको 25,000 रुपये की इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा जो नए खानदान हैं उनको अब यहाँ से 25,000 रुपये नहीं दिया जाएगा। 8171 से 25,000 का आप लोगों को मैसेज रिसीव होगा। और यहाँ पर जिन लोगों ने 7,000 रुपये वसूल किया है, उनकी 3 माह की यहाँ पर पेमेंट को पेंडिंग में रखा गया है, जो कि आफ्टर 3 मंथ और बिफोर 3 मंथ आप लोगों को ऐड करके, यानी कि यहाँ पर 6 मंथ के जो है आप लोगों को पेमेंट दी जाएगी, और ये पेमेंट आप लोगों को जनवरी के अंदर हुकूमत पूरे 14,000 रुपये देने जा रही है।